हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्लिपकार्ट की न्यू गाइडलाइन के अनुसार पीडीएफ से 3x5 का शिपिंग लेबल विदाउट क्रॉप किए हुए कैसे निकालना है उसके बारे में बताऊंगी। यूट्यूब पर इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें बताया गया है कि पहले आप पीडीएफ को मर्ज कीजिए, क्रॉप कीजिए, सेव कीजिए, देन प्रिंट दीजिए। इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। जिनके ऑर्डर ज़्यादा होते हैं उनको तो बहुत समस्या फेस करनी पड़ती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि विदाउट क्रॉप किए हुए कैसे शिपिंग लेबल निकालना है लेबल प्रिंटर से। उसके लिए आपको अपने सेलर पेज पर कुछ सेटिंग्स को चेंज करना होगा। आइए चलते हैं हम हमारे सेलर पेज पर। सबसे पहले हम हमारा सेलर अकाउंट को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके राइट हैंड में आपकी कंपनी का नाम होगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मैनेज प्रोफाइल शो होगा। मैनेज प्रोफाइल पे क्लिक करिएगा। देन आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके सेटिंग पर जाना है। सेटिंग को व्यू करने के बाद आपको प्रिंटर सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें थर्मल प्रिंटर डिसेबल्ड है। एडिट करने पर आपको दिखेगा नो डिसेबल थर्मल प्रिंटिंग। इसको आपको यस करना है। तो ड्रॉप डाउन से आपको यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद इसको आपको सेव करना है। सेव करते ही आपको एक ऑप्शन और खुलेगा शिपिंग लेवल का। इसमें आपको अपना प्रिंटर एडिट करना है। तो एडिट प्रिंटर पर जाकर क्लिक करेंगे। देन आपको ड्रॉप डाउन में प्रिंट के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो दिखेगा। उसमें से आपको अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है और सेव करना है। सेव करते ही प्रिंटर सेटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। देन आपको आपके ऑर्डर्स में जाना है। ऑर्डर्स में जाने के बाद पेंडिंग्स लेवल पर टिक करना है। उसके बाद आपको लेवल जनरेट करना है। जनरेट लेवल पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोसेस लेवल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेस लेवल पर क्लिक करेंगे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड होते ही ऑटो मोड में यदि आपका प्रिंटर अटैच है आपके सिस्टम से तो प्रिंट आना स्टार्ट हो जाएगा, और अटैच नहीं है तो आप जब भी प्रिंटर को अटैच करेंगे ऑटो मोड में प्रिंट देना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से प्रिंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, देखा विदाउट क्रॉप मर्ज सेव किए हुए प्रिंट कैसे निकालना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।